गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर सौरभ सर फ्रॉम इंटरनेशनल दे रिकॉर्डिंग स्कूल सुल्तानगंज भागलपुर। टुडे वी विल लर्न अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अदर इंटीजर वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड एड इट टू द अदर इंटीजर। आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग का जो टॉपिक है वह क्या है? आज का टॉपिक है इंटीजर का घटाव। और इंटीजर का घटाव क्या कहता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अदर इंटीजर, किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से घटाने के लिए क्या करते हैं, वी टेक, हम लोग लेते हैं द एडिटिव इंटीजर ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड एड इट टू द अदर इंटीजर। हम लोग जिस इंटीजर को घटाना या जोड़ना रहता है, क्या करना रहता है, जिस इंटीजर को घटाना या जोड़ना रहता है उसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एडिटिव इनवर्स लेते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को घटाने के लिए जिस इंटीजर को घटाना या जोड़ना रहता है, इसको जिस इंटीजर को जोड़ना या घटाना रहता है उसका हम लोग एडिटिव इनवर्स लेते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर एडिटिव इनवर्स होता क्या, तो आप अपने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कीजिए। मैं फ्रैक्शनल नंबर में आपको मैं पढ़ाया था कि किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन से वन में भाग देते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है नोमिनेटर हो जाता है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है। अब चलिए पी बाई क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्यू बाई पी। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जोड़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, घटा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए में से बी को हमको घटाना है। क्या करना है, ए में से हमको बी को घटाना है। चलिए इसको सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें तो यह इसका, यहाँ पे जो बी को मैंने लिखा, यह बी इसका क्या हो गया, बोलो, एडिटिव इनवर्स हो गया। क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अब चलिए, अब आपको कोई बोल दे सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 4 को लिखो, 5 माइनस 4 को घटा कर लिखो, 5 माइनस प्लस, इसको प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह यहाँ पे 4 का क्या है, तो एडिटिव इनवर्स है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए माइनस बी विल बी ऑल्सो एन इंटीजर। कह रहा है ए और बी कोई इंटीजर है तो ए माइनस बी जो होगा वह भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। चलिए ए इज इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 9, ए माइनस बी निकालना है हमको, ए माइनस बी निकालना है, 5 माइनस 9 को निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस 9 बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमेशा जो घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन का जो काम होता है, वो बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। साइन चाहे जो भी हो लेकिन हम हमेशा बड़ा में से छोटा को ही घटाते हैं। चलिए 9 में से 5 को घटा दीजिए, कितना हो गया, 4। और उसके बाद मैं क्या बताया था कि बड़े बड़े बड़ा वाला जो अंक होगा, बड़ा वाला जो नंबर होगा, उसके साथ जो साइन आया होगा रिजल्ट में वही साइन देते हैं। 9 के साथ कौन सा साइन आया, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए माइनस जीरो इज इक्वल टू बी। कह रहा है कि ए मेरा अगर कोई इंटीजर है तो ए माइनस जीरो का रिजल्ट हमेशा ए होता है। चलिए ए इक्वल टू 5, तो 5 माइनस जीरो कितना देगा, 5 देगा।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जस्ट आप प्रीवियस वीडियो में एडिशन में कॉन्सेप्ट दिए थे कि a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a इज इक्वल टू a, लेकिन यह कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे क्यों नहीं दिए? जब a में जीरो को जोड़ते हैं या जीरो में a को जोड़ते हैं तो वो a के बराबर होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम ऐसे, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे क्यों नहीं लिखे हैं? नहीं बाबू, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अब देखिए यही पे आप देख लीजिए, a के जगह पे अगर हम 5 डाले, 5 माइनस 0, 0 माइनस 5 क्या 5 के बराबर होगा? 5 इक्वल टू माइनस 5, देखिए तो दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। इसी के लिए उस कॉन्सेप्ट को सब्ट्रैक्शन में हम लोग नहीं लेकर चलते हैं, लेकिन a माइनस 0 a के बराबर होता है, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा इफ ए बी एंड सी आर एनी इंटीजर्स दे सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। कह रहा है कि ए बी सी कोई दिया गया इंटीजर इस प्रकार है कि ए जो है वह बी से बड़ा है, ये क्या है, तो वह बी से क्या है, बड़ा है, तब a माइनस सी का जो रिजल्ट होगा वह b माइनस सी से हमेशा बड़ा होगा। चलिए एग्जांपल के साथ, एग्जांपल से समझते हैं, a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। अब चलिए a माइनस सी को देख लीजिए, a माइनस अगर c को यहां पे देखिए, a जो है b से बड़ा है, हाँ बाबू a b से बड़ा है, a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 3 है, तो यह a b से बड़ा है। अब चलिए a माइनस अगर हम c करें तो 4 माइनस 3 कितना दे दिया, 1, सॉरी a माइनस c करें तो 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना दे दिया, 2। अगर b माइनस c को हम करें तो 3 माइनस 2 कितना दे दिया, 1। आप देख रहे होंगे कि a माइनस c 2 दिया और b माइनस c 1 दिया, जो कि a माइनस c जो है वह b माइनस c से बड़ा है। तो यह कॉन्सेप्ट जो है यह सभी इंटीजर्स के लिए लागू होता है, लेकिन वहां पे कोई भी इंटीजर अगर दे दिया गया है तो वहां पे यह ध्यान में रखना है कि a जो होना चाहिए, दैट मींस कि पहले वाला जो नंबर होना चाहिए, पहले वाला जो इंटीजर होना चाहिए दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, तब यह कॉन्सेप्ट आपका, यह जो रूल है यह आपका वहां पे अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।